गुरुग्राम में जिला बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी की छोटी टोली की बैठक हुई। इस बैठक में सभी सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और रविंद्र राजू ने हिस्सा लिया। इस बैठक में 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चर्चा की गई, तो साथ ही सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से उनकी राय इस बैठक में ली गई। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की 18 जून को होने वाली सिरसा में रैली की तैयारियों को लेकर सभी सांसदों से चर्चा की गई। बैठक के खत्म होने के बाद मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। सभी सांसदों के साथ बैठक की गई। इसके अलावा एक एक कर सभी सांसदों को बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई। समय समय पर सांसदों के साथ हमारा बैठना होता है, पहले भी हर दो महीने में, तीन महीने में एक बार बैठते हैं, तो आज उसी रूटीन में सभी हमारे सांसद, चाहे लोकसभा के थे, राज्यसभा के थे, वो सब धारे थे, उनके साथ जो भी क्षेत्र की बातें उनको महसूस होती है वो हमने सुनी है, और जो प्रदेश के विषय है सारे हमने रखे हैं। और कुल मिलाकर के अब चूँकि लोकसभा के चुनाव को एक वर्ष बचा है, तो चुनाव की तैयारी के नाते से भी सारी बातें हुई हैं और सबने अपनी रिपोर्ट की है। उसमें कुछ काम जो करने लायक हैं आगे, चाहे वो सरकार के नाते हैं, संगठन के नाते हैं, वो आगे हम करेंगे, और जो अभी तक फील्ड में चल रहा है वो सब उन्होंने बताया। सर, किसानों की सभी मांगे मान ली गई हैं आज इस तरह से, किसान क्या कुछ देखिए, हमारा जो काम चल रहा था वही चल रहा है, वही चलेगा, और उस नाते से अच्छी बात है। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने जो चल रहा है उस सारे विषय को ध्यान में करके, क्योंकि हमने किसानों के हित में पहले भी काम किए, आगे भी करते रहेंगे। हमने सारे हरियाणा देश भर में, जो खास करके अगर मैं सूरजमुखी की बात करूं, देश भर में हमारा रेट पहले से ही ज़्यादा चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं है, और आगे के लिए भी संभावनाएँ हैं जो पहले खोल के रखी हुई है कि रेट जैसे जैसे मार्केट का ध्यान में आएगा वैसे वैसे हम उस पर निर्णय लेके किसानों को कोई नुकसान ना हो इसकी चिंता करें। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव काफी डिले हो रहा है, उसको लेके कब तक रणनीति तैयार की जाएगी, कब तक चुनाव होंगे? अभी जहां तक मेरी जानकारी है वार्डबंदी के काम चल रहे हैं, वार्डबंदी का काम पूरा होते ही, और मैं समझता हूँ फिर डिपार्टमेंट भी उसमें अपनी रिपोर्ट दे देगा और चुनाव आयोग को हम कह देंगे चुनाव आयोग से जल्दी चुनाव। सर, एक सवाल ये कि जिस तरीके ट्विटर पे जब कुछ संस्थापक थे जब, तो अभी उन्होंने बोला है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उनको काफी दबाव डाला गया था कि कई हैंडल्स को लेकर उनको बंद करा जाए, लेकिन भारत सरकार ने जवाब दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं रहेगी, जबकि वो खुद गलत कर रहे थे। ठीक है, हमारी ओर से कभी कोई इस प्रकार